फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स एंड है। फ्रेंड्स आज मैं आपको गुड वाई का रेडियंट ग्लो फेस सीरम के बारे में रिव्यू दूंगी। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ जुड़े रहूँ और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। गुड वाइज भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं। यह सीरम भी काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए, इसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, इसके सभी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। गुड वाइज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो पैराबेन फ्री होते हैं जो कि काफ़ी अच्छा होता है, केमिकल फ्री होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स जिन प्रोडक्ट में केमिकल यूज़ नहीं किए जाते वह स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, स्किन को कोई हार्म नहीं पहुँचाते हैं। यह प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है। जो आज मैं सीरम का रिव्यू दे रही हूँ यह सीरम भी काफ़ी बेस्ट सीरम है। फ्रेंड्स यह सीरम विंटर्स के लिए काफ़ी बेस्ट सीरम है और यह सीरम ऑल स्किन टाइप पर सूट हो जाता है। सेंसिटिव, ड्राई, ऑयली इन सभी स्किन पर यह काफ़ी अच्छे से सूट हो जाता है। यह सीरम काफ़ी अच्छा है, बेस्ट सीरम है। आपके स्किन पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या ग्लो नहीं है तो वह प्रॉब्लम भी ठीक करेगा, आपकी स्किन पर ग्लो भी लाएगा, आपकी स्किन के डार्क स्पॉट से उन्हें रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यह सीरम काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, यह आपकी स्किन में काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो जाता है, काफ़ी बेस्ट सीरम है। यह सीरम अगर आप मेकअप के पहले भी अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, आपका मेकअप काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका मेकअप पर ग्लो आएगा, काफ़ी बेस्ट मेकअप रहेगा। आप अगर इसे अपने फेस पर मेकअप से पहले अप्लाई करते हो तो आपका मेकअप भी काफ़ी अच्छा होगा, बेस्ट मेकअप होगा, फाउंडेशन भी डार्क नहीं होगा। कई बार मेकअप करने के बाद फेस डार्क लगने लगता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन अगर आप लगाते हैं इसके लगाने के बाद तो उसे डार्क भी नहीं होने देगा, काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहेगा। इसे अगर आप मेकअप के पहले अप्लाई करते हो तो काफ़ी बेस्ट मेकअप होगा, आपका मेकअप रहेगा, आपका फाउंडेशन भी काफ़ी ग्लो करेगा। आप इस सीरम का यूज़ करते हो काफ़ी बेस्ट सीरम है यह। फ्रेंड्स अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या यूज़ में लिया गया है मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स इसमें काफ़ी ऑयल्स यूज़ किए गए हैं, आलमंड ऑयल का यूज़ किया गया है, सेसमी ऑयल है, विटामिन ई है जो कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है उसका भी यूज़ किया गया है इसमें, जोजोबा ऑयल का भी यूज़ किया गया है इसमें। फ्रेंड्स इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, है रोज हिप ऑयल जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है, यह सब इसमें यूज लिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं स्किन के लिए। फ्रेंड्स यह ऑयल्स आपकी स्किन में डैमेज है, डार्क स्पॉट से, रिंकल से, फाइन लाइन से उन्हें रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, यह काफ़ी अच्छे होते हैं स्किन के लिए। जो इस सभी ऑयल का यूज़ इस सीरम में यूज़ किया गया है तो आप यह सीरम यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट सीरम है फ्रेंड्स। यह सीरम्स काफ़ी अच्छे होते हैं स्किन के लिए फ्रेंड्स, सीरम का यूज़ नाइट में ही करना चाहिए ताकि वह आपकी स्किन पर अच्छे से वर्क करे। तो फ्रेंड्स यह काफ़ी अच्छा सीरम है गुड वाइब्स का, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।